सीरियल तेरे इश्क में घायल के अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। आज के एपिसोड में जहां हमने देखा कि ईशा और वीर दोनों पब में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, जहां पर ईशा भी खुश होती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं वीर पर हो जाता है हमला, जो कि एक भेड़िए का हमला होता है और वीर की जान खतरे में होती है। वहीं ईशा बचाती है वीर को और दोनों जो है वो वापस अपने घर लौट जाते हैं, जहाँ ईशा मिलती है अरमान से और अरमान से सारा सच जो है वो पूछती है कि आखिर में उसने क्यों झूठ बोला। अरमान यहाँ पर ईशा को कहता है कि वो उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने काव्या का सच नहीं बताया। साथ ही जब ईशा पूछती है कि आखिर में उसका क्या रिश्ता है काव्या के साथ में और क्या क्यों मिलती है उसकी शक्ल काव्या से, तो यहाँ पर ईशा को जहाँ अरमान पूरा सच बताते हुए नजर आता है और ये कहता है कि काव्या जो है उसकी शक्ल इसलिए मिलती है क्योंकि तुम अडॉप्टेड हो, यानी कि जो जिस माँ बाप को तुम मानती थी वो तुम्हारे माँ बाप है नहीं। और साथ ही अरमान ये भी बताता है कि किस तरीके से ईशा की जान उसने बचाई थी और उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग कॉलेज में नहीं बल्कि इससे पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था उसके पेरेंट्स के साथ में, तभी अरमान जो है वो ईशा को सबसे पहली बार मिला था और उसके बाद में ईशा पर नजर रख रहा था क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये काव्या हो सकती है, लेकिन काव्या और ईशा दोनों बहुत अलग है। एक बड़ा सच ईशा के सामने अरमान रखता है, वहीं अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ईशा की जान को खतरा है और वो खतरा जो कि एक भेड़िए से है और वो भेड़िया हमला करने वाला है ईशा पर। अब देखना ये होगा कि क्या अरमान ईशा को बचा पाता है या फिर नहीं। क्या है आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें शेयर। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।